बॉलीवुड की सबसे बड़ी सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि YRF स्पाई यूनिवर्स में मेन विलन यानी कि थानोस कौन होगा। इस किरदार को निभाने के लिए भाई जो कैरेक्टर की डिमांड है, कौन इस डिमांड को पूरा कर पाएगा, क्योंकि छोटे मोटे नहीं बल्कि रोलेक्स विक्रम जैसा विलन की जरूरत पड़ेगी। एंड आज मैं लेकर के आया हूँ 5 ऐसे कैरेक्टर जो परफेक्ट है भाई थानोस जैसा तगड़ा किरदार निभाने के लिए। तो दिल थाम करके बैठिए एंड आखिर तक देखिए और बताइए कौन है बेस्ट विलन फॉर स्पाई सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लाइक का बटन दबा करके। दोस्तों इस लिस्ट के टॉप 5 पर है राणा दग्गुबाती। ये पहले भी बाहुबली फिल्म में भाई तगड़ा विलन का किरदार अदा कर चुके हैं एंड इनकी पर्सनालिटी भी डिटो थानोस जैसा लगता है। तगड़ा कद है भाई, क्या बाइसेप, क्या डोले सोले, क्या बॉडी है भाई। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इन्हें कंसिडर कर सकते हैं फॉर द मेन विलन। नंबर 4 पर है एक और तगड़े कैरेक्टर भाई, अगर ये है बॉक्स ऑफिस पर एज ए विलन तो बॉक्स ऑफिस पर आग लग जाएगा, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। जैसे संजय दत्त ने KGF में तगड़ा लुक ट्रांसफॉर्म किया था, कुछ ऐसे यहाँ पे अमिताभ बच्चन एक अलग लेवल का भाई तगड़ा विलन के लुक्स में नजर आते हैं, तो बॉक्स ऑफिस पर एक और इतिहास रच जाएगा। इस लिस्ट के जो तीसरे कैंडिडेट है ये भी भाई एक नंबर है एंड इन्होंने इससे पहले भी बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में एज ए विलन के तौर पर नजर आ चुके हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ KGF के अधीरा, अग्निपथ के कांचा, यानी कि हर बॉलीवुड फिल्म में अगर कोई बड़ा विलन किसी को दिखाना है तो हमारे संजू बाबा यानी कि संजय दत्त को ही कंसिडर किया जाता है। नंबर 2 पर है भाई रेबल स्टार प्रभास, ये भी एक नंबर परफेक्ट है भाई थानोस का किरदार अदा करने के लिए। साउथ में भाई है प्रभास एंड बॉलीवुड में है सलमान, मजा आ जाएगा। प्रभास सर की बॉडी एक नंबर है, तगड़ा कद है एंड इनकी पर्सनालिटी भाई किसी तगड़े विलन से कम नहीं। अकेले खड़े हो जाए तो 10-15 हीरो को यूं ही पेल दे। एंड इस लिस्ट के जो आखिर में जिस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि ये आज की नहीं बल्कि 20 साल पहले से ही हम सब एक्सपेक्ट करते आ रहे हैं कि कोई एक तगड़ी फिल्म आएगी जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान एंड आमिर खान एक साथ नजर आएंगे, तो इस ड्रीम को कम ट्रू करने का मौका आ चुका है एंड ये स्पाई सिनेमैटिक यूनिवर्स परफेक्ट रहेगी इन तीनों खान को एक फिल्म में पोर्ट्रे करने का, यानी कि सलमान एंड शाहरुख खान ये दो एज ए हीरो एंड आमिर खान तगड़े विलन। रोलेक्स जैसा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेंगे, तगड़े लंबे बाल एंड थोड़ा बॉडी तो इनके पास है भाई, एकदम खूंखार ऑसम विलन वाला ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो मजा आ जाएगा। क्या है आपको क्या लगता है कि कौन परफेक्ट रहेगा YRF के सिनेमैटिक यूनिवर्स के मेन विलन के लिए, कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड अभी तक आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे स्पाई सिनेमैटिक की फिल्म सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम तक पहुंचेगी, ये राइट वाली वीडियो देख लो, कसम से मजा आ जाएगा भाई।